So it's clear to all of you. Can I proceed for the next? Yes, sir. Next, I'll be described some program. Next, I'll be describe some program. I'm describing instructions. Name of the instruction is loads. I'm already told to you 8086 is a powerful instruction set. 8086 is a powerful instruction set. Number one, loads B oblique W. What are the functions loads B oblique W? Loads B oblique W. What are the functions of loads B oblique W? Loads full form is nothing but a loads the content of either byte size of data or word size of data. Either byte size of data or word size of data. According to that, SI is equal to SI plus minus one. समझ में नहीं आया ना? क्या होगा? देखो, DS colon SI. SI के साथ SI किसके साथ pair होता है? DS. DS के साथ? तो देखो DS DS colon SI मैंने किया है DS colon SI. अभी DS colon SI मिलके कोई एक address हुआ. मान के चलो 1000 कोलोन 2000 ये मिला के कोई एड्रेस हुआ होगा 12000 जो भी है तो ये जो एड्रेस हुआ इसी एड्रेस में मान के चलो एक डेटा है ए बी एंड 1000 कोलोन 2001 इसमें मान के चलो सी डी है. अभी तुम चाहो तो ये दो डेटा को एक साथ एक्स के अंदर कॉपी कर सकते हो. क्या होगा? ए एच ए एल एच में आ जाएगा सी डी एल में आ जाएगा ए बी. इज इट क्लियर? यस सर. ये तुमको मूव करने का जरूरत नहीं है. एज वेल एज एस आई विल बी इंक्रीज्ड आइदर वन और टू. मतलब ये दोनों एक साथ आएगा तो एस आई विल बी इंक्रीज टू. मतलब एस आई इज इक्वल टू एस आई प्लस टू. तो एस आई का वैल्यू था 2000 हो जाएगा 2002. मतलब इंक्रीज भी डेटा भी कॉपी करेगा प्लस इंक्रीज भी करेगा. सर वन कब होगा? मान के चलो मैंने इंस्ट्रक्शंस इसके लिए यूज किया है लोड्स डब्लू. मैंने यूज करेंगे लोड्स बी तो क्या होगा? सिर्फ एल में ए बी आएगा. ये जो डेटा है सिर्फ 8 बिट का डेटा जाएगा क्योंकि ये बाइट साइज ऑफ डेटा. दिस इज अ वर्ड साइज ऑफ डेटा. वर्ड साइज ऑफ डेटा मींस 16 बिट डेटा. बाइट साइज ऑफ डेटा मींस 8 बिट डेटा. इस टाइम एस आई इज इक्वल टू एस आई प्लस वन होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई queries है? किसी के कोई queries है? No, sir. No, sir. But हमारा एक queries है. Sir, आप इधर बोले थे plus minus. इधर तो सिर्फ plus ही दिखाया, minus तो नहीं दिखाया. अब तुम बोलो कैसे minus होता है? बोलो. बोलो अरे हाँ आप बोलना है तो बोलो, नहीं बोलो तो नहीं हो पाएगा. हो पाएगा सर? जब वापस जाएंगे तो फिर? नो सर, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन फ्लैग के ऊपर. डी फ्लैग मैंने जब भी ये फ्लैग रजिस्टर पढ़ाया था तो बोले थे ये जीरो होगा तो इंक्रीमेंटल, डी फ्लैग वन रहेगा तो डिक्रीमेंटल. मतलब डी फ्लैग ये जीरो ही रहता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए मैंने प्लस प्लस दिखाया. डी को जब मैंने वन कर दूंगा, इसको वन कर दूंगा तो मेमोरी लोकेशन बढ़ेगा नहीं, मेमोरी लोकेशन घट जाएगा.
मतलब ये पहले कॉपी होगा, इसके बाद पीछे वाला कॉपी होगा, इसके बाद और पीछे वाला कॉपी होगा, तो डायरेक्शन फ्लैग के ऊपर डिपेंड करेगा। डायरेक्शन फ्लैग वन हो जाएगा तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। डायरेक्शन फ्लैग जीरो पकड़ के मैंने इन दोनों को प्लस बोला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है। हमको वन करेंगे तो ये दोनों ही तुम्हारा माइनस माइनस हो जाएगा, इसी इसीलिए प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। लोड सिमिलर लाइक एलडीए, इसे लोड्स। नेक्स्ट इज स्टोर्स, एसटीओएस, स्टोर्स से बी ऑब्लिक डब्ल्यू। ये क्या होगा, मान के चलो डीएस कोलोन डीआई बोल के कोई एक मेमोरी लोकेशन है, मतलब मान के चलो 1000 कोलोन 3000, 1000 कोलोन 3000 एक मेमोरी लोकेशन है, उसमें कोई भी डेटा है। एल में मान के चलो ए बी है, दिस ए बी विल बी कॉपीड इनटू द 1000 कोलोन 3000। AB will be copied into the 1000 colon 3000H memory location. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. AL will be copied into the this memory location, 1000 colon 3000H. Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So, मान के चलो B B देने से AL का copy होगा, एंड डब्ल्यू देने से ए एल एंड ए एच दोनों का कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली डी आई इज इक्वल टू डी आई प्लस माइनस 1/2 होगा। प्लस कब होगा, जब डायरेक्शन फ्लैग जीरो होगा। वेरी गुड, देन प्लस। माइनस कब होगा, डायरेक्शन फ्लैग वन होगा। डायरेक्शन फ्लैग वन होने से माइनस होगा। वन कब होगा, एट बिट, जब ए एल सिर्फ कॉपी होगा बी, जब बाइट साइज जब डेटा रहेगा, जब हम यूज करेंगे लोड्स बी। सर टू कब यूज होगा, जब मैंने स्टोर्स डब्ल्यू करेंगे, मतलब 16 बिट डेटा कॉपी होगा। ठीक है, चलो और एक इंस्ट्रक्शंस जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। सर लूप चलाने के लिए हम लोग 8085 में क्या करते हैं, लूप मतलब पांच बार घुमाना है तो क्या करेंगे, बोलो। पांच बार एक लूप चलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो। जंप का यूज करते हैं कंडीशन के साथ। ना पहले जंप नहीं सर, शुरू से बोलो। सब पहले स्टोर करेंगे 5 किसी रजिस्टर में, 5 कोई 10 मतलब काउंटिंग वैल्यू। हाँ, और उसको फिर डिक्रीमेंट करेंगे, और अगर वो जब तक जीरो नहीं होता है तब तक उसको जंप करवाते हैं। सर इतना कुछ करना पड़ता है, एक बार डिक्रीमेंट करो फिर चेक करो द जीरो और नॉट। इधर दोनों इंस्ट्रक्शन के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, उसका है लूप। ये हर एक टाइम सीएक्स को ही काम करता है। मान के चलो हम सीएक्स को हम 0005 स्टोर कर दिया। लूप का फंक्शंस क्या होगा, cx को एक डिक्रीमेंट करेगा, 0004 होगा, whether it is zero, no, then jump to the particular memory locations, zero ना होने से फिर से jump करेगा। लूप इंस्ट्रक्शंस का फंक्शंस है, मतलब दोनों इंस्ट्रक्शन का एक साथ काम कर देता है, डिक्रीमेंट करना एंड चेक करना, दोनों एक साथ लूप काम कर लेगा। इज इट क्लियर? यस सर। लिखो अभी, राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम, राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम व्हिच इज कॉपी ए ब्लॉक ऑफ डेटा एरे, ए ब्लॉक ऑफ डेटा एरे a block of data array, write an assembly language program which is copy a block of data array in 8086
इन 8086 एज्यूमिंग इनपुट नंबर assuming input number stored in input number stored in 1000 colon 2000h 1000 colon 2000h and output number will be stored in 1000 colon 3000h Length of the data array is 05H. क्या क्वेश्चंस बोला पहला लाइन एक बार बोलो. To copy a block of data array in 8086. A block of data array within a bracket लिख लो. What size of data? Word size of data और 16 bit data. Copy a block of data array, उसके bracket में लिख दो 16 bit data और word size of data. अभी input क्या होगा सर? 1000 colon 2000h 1000 colon 2001h 2002H, 2003H, 2004H, 2005H, 2006H, 2007H, 2008H, 2009H. Okay? Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. इसके क्या होगा सर? मान के चलो ऐसा नंबर है A B C D E F E F 5 C 3 D 95 46 next 85 96, 42. ये दोनों मिला के एक एक डेटा राइट इन दोनों मिला के एक डेटा इज इट क्लियर. कितना नंबर हुआ? 5. 1 2 3 4 5. ओके इट्स क्लियर. यस सर. अभी आउटपुट किधर जाएगा? 1000 colon 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 so on all are in 1000. Sir, क्या डेटा जाएगा? क्या होगा बोलो. बोलो इधर आउटपुट क्या होगा? अरे क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आया. क्या आएगा इधर? क्या होगा? पूरा जो है ऐसा ही बैठेगा. ए बी सी डी
EF 5C 3D 95 46 85 96 42. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So अभी इनपुट आउटपुट समझ में आया? अभी इनपुट आउटपुट देख के बोलो किधर में क्या स्टोर करना है, ये किसके अंदर स्टोर करना है, ये किसके अंदर स्टोर करना है, बोलो. बोलो. CSI. हाँ बोलो. CS द कोड सेगमेंट. मैं इंस्ट्रक्शंस में क्या पढ़ाया लोड्स करने के लिए कौन सा किसको लेते हैं? DS. DS. ये किधर जाएगा? SI. SI. ये किधर जाएगा? आउटपुट के लिए स्टोर्स होगा. DS. DS. एक किधर जाएगा? DI. इसको पहले हम लोग स्टोर कर लेते हैं, राइट? कैसे करेंगे? DS में डायरेक्ट 1000 स्टोर नहीं होता है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोलो. मूव स्टोर करना होगा. मूव एक्स कॉमा 1000H. मूव DS कॉमा एक्स. ओके. यस सर. इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? मूव SI कॉमा 2000H. मूव DI कॉमा 3000H. Is it clear? Yes, sir. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, next, जो कितना बार करना है लूप? Five. Move CX comma 0005H. Is it clear to all of you? CX में ही करना है क्योंकि ये काउंटर हिसाब से काम करता है. बोलो. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Next, loads B. B, no, sorry, W. Loads W. Stores W. Sir, बढ़ाने का कोई बात नहीं है क्योंकि आपसे अब बढ़ जाएगा. SI भी बढ़ जाएगा, DI भी बढ़ जाएगा. Am I right? हम कुछ किया नहीं तो बढ़ेगा. हम कुछ करते थे तो डायरेक्शन फ्लैग को हमको सेट करना पड़ता था और रिसेट करना पड़ता था. यूजिंग CLD, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग. वो अभी इधर कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन फ्लैग ऑटोमेटिकली जीरो ही है. नेक्स्ट इज, तो अभी SI क्या होगा? SI भी दो बढ़ेगा, DI भी दो बढ़ेगा, तो नेक्स्ट बार इसको ये दोनों लाइन को रिपीट करने से पूरा पांच बार रिपीट हो जाएगा. पांच बार रिपीट करेंगे इन दोनों लाइन को तो ये पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा. एम आई राइट और नॉट? ये लाइन को पांच बार रिपीट कर देंगे, पांच बार लिख देंगे तो ये पूरा डेटा कॉपी कर देगा क्योंकि ये तो अपने आप बढ़ा देगा SI को एंड DI को. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर. तो इसको पांच बार करने के लिए क्या करेंगे? लूप स्टार ए लोड्स में स्टार. देखो लूप मतलब CX को एक घटाएगा, whether it is zero, no, again jump, again इसको रिपीट करेगा, ये पांच बार रिपीट हो जाएगा. The last line of the program is INT 3, end my program. It's clear to all of you? देखो देखा जाए तो इनपुट आउटपुट ज्यादा लिखना पड़ा, प्रोग्राम बहुत कम लिखना पड़ा. Yes, sir. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So these are loads B and loads stores B. Sir, इसको अभी हम लोग byte करेंगे तो 8 bit करेंगे तो copy 8 byte of data
8 byte of data. Copy 8 bit data means 16 bit data मैंने copy किया था, वो 8 bit data copy करने के लिए क्या होगा program में changes? लोड बी हो जाएगा सर, ये सिर्फ बी हो जाएगा, ये सिर्फ बी हो जाएगा, यस सर. ओके, अभी हमारा एक क्वेश्चन है, अभी तुम लोग बोलोगे ये जैसे लिखे थे हम इसको इधर से लिखना चाहते हैं, मतलब ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा उधर, ये जाएगा एकदम ऊपर में, कैसे हो पाएगा? समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, ये जाएगा इधर, ये जाएगा उसके बाद, ये जाएगा उसके बाद, ये जाएगा उसके बाद, ये जाएगा एकदम ऊपर. इसमें रिवर्स ऑर्डर, डायरेक्शन फ्लैग को सेम है, रिवर्स ऑर्डर. यस सर, डायरेक्शन फ्लैग को सेट करना पड़ेगा और जो डी आई लिए हैं डी आई सेट करने से, सेट करने से ये तो डिक्रीमेंट होगा, ये भी डिक्रीमेंट होगा, ये तो तब इंक्रीमेंट होना चाहिए था, ये तो डिक्रीमेंट हो जाएगा. My question is clear to all of you. मैं फिर से बोल रहा हूँ. I want to copy all the data, but in the reverse order. This data will be copied into over here. This data will be copied into over here. This data will be copied into over here, and this last data will be copied in the beginning. ये कैसे possible होगा sir? Sir, DI के अंदर 3009 store करेंगे? ना 3008 store करेंगे. इधर स्टोर करने तो ये आ रहे, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में आ जाएगा, इधर में स्टोर करना पड़ेगा, तब जाकर ये दोनों में स्टोर होगा. 3008 स्टोर करेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्शन फ्लैग उसके पहले एक बार डायरेक्शन फ्लैग को चेंज भी करना पड़ेगा. X, 1000 H ये होगा. Move DS, AX, AV होगा. Move SI, 2000H, AV होगा. Move DI, 3008, AV होगा. Move CX, 0005H, AV होगा. जो क्वेश्चंस बोला सबको पता चला कि नहीं, नहीं है तो बोलो. सर पता ही नहीं चला, समझ में ही नहीं आया आप क्वेश्चंस क्या बोले. बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं. क्वेश्चन समझ में आया, वेरी गुड. क्वेश्चन समझ में आया तभी आंसर कैसे होगा. देखो बढ़ाने का टाइम, लोड करने का टाइम ये इंक्रीमेंटल होगा, घटाने का टाइम ये डिक्रीमेंटल होगा. एम आई राइट? यस सर. बढ़ाने का टाइम ये इंक्रीमेंटल होगा, घटाने का टाइम ये डिक्रीमेंटल होगा. तो क्या करेंगे? सीएलडी, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग. लोड्स डब्ल्यू, एसटीडी, सेट डायरेक्शन फ्लैग. एसटीडी सेट डायरेक्शन फ्लैग. स्टोर्स डब्ल्यू. लोड्स जब कर रहा है, डायरेक्शन फ्लैग क्या है? जीरो है, मतलब इंक्रीमेंटल होगा. स्टोर्स जब कर रहा है, डायरेक्शन फ्लैग क्या है? वन, मतलब डिक्रीमेंटल होगा. लोड्स का टाइम में डायरेक्शन फ्लैग इंक्रीमेंटल होगा, स्टोर्स का टाइम में डायरेक्शन फ्लैग डिक्रीमेंटल होगा, क्योंकि एक जगह में सेट है, एक जगह में रीसेट है, एक जगह में रीसेट है, एक जगह में सेट है. नेक्स्ट कुछ नहीं, लूप स्टार, सीएलडी में स्टार हो गया, आईएनटी 3. इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर.
Is it clear to all of you? Any queries? Yes, if you have, you can ask me. Sir, sir, 8 bit का डाटा जब स्टोर करेंगे तो कुछ नहीं है, CX वो डाउनलोड के जगह में भी हाँ वो CX का भी चेंज होगा. CX का क्यों चेंज होगा? CX वो तो 5 ही डेटा लेगा. वो तो 5 ही डेटा लेगा. अच्छा, हम लोग इधर 10 डेटा नहीं कॉपी कर रहे हैं, 5 डेटा ही कॉपी कर रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि 16 बिट का है इसीलिए 10 मेमोरी लोकेशन लग रहा है. अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ गया. वो तो डाटा भी कम हो जाएगा मगर ये रिवर्स करने का टाइम ये 3008 नहीं होगा. हाँ सर, वो हो जाएगा 3004 होगा. 0000A 10 करना पड़ेगा. Is it clear to all of you? क्या सर? इसको करना पड़ेगा 000A उस टाइम में. मान के चलो ये पूरा का पूरा कॉपी करना है मगर बाइट साइज ऑफ डेटा में. तो ये तो 10 नंबर है ना, 10 नंबर के लिए हमको 000A करना पड़ेगा. यस सर, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 नंबर कॉपी. Is it clear to all of you? Yes sir. Tomorrow I'll be describe some others, you know, instructions and some others programming and minimum mode, maximum mode I already describe, and I will be describe the overlapping segment and non-overlapping segment, and it will be in the year 8086 syllabus. So maybe probable tomorrow my portions will be covered. Sir. Yeah. सर बोल रहे थे कि जो लैब लिखने के लिए असाइनमेंट मिला है हम लोग को, तो उसमें एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था. बोलो. राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम व्हिच इज एब्स्ट्रैक्ट टू कंपोनेंट ऑफ 8101 विल बी स्टैक फ्रॉम द कंटेंट ऑफ 8100 एज वेल एज स्टोर इन ई रजिस्टर. समझ में नहीं आया. बोलो 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 एक बार फिर से बोलो सर. राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम, राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम व्हिच इज एब्स्ट्रैक्ट टू कंपोनेंट ऑफ 8101. एब्स्ट्रैक्ट है, सबस्ट्रैक्ट होगा. एब्स्ट्रैक्ट सबस्ट्रैक्ट 81 जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है. क्या 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 बोला? बोलो. 01 8101 abstract two component will 8101 will be stacked from content of 8100. हाँ ठीक, abstract नहीं subtract. 8100 का content से 8101 का content subtract करना पड़ेगा. इसमें मान के चलो है 54, इसमें मान के चलो है 21. इससे ये सबस्ट्रैक्ट करने का पड़ेगा. 54-21 करना पड़ेगा. 54-21 करना पड़ेगा. हाँ आगे बोलो, आगे बोलो. And will be stored the store in E register. Store in E register. एकदम शुरुआत वाला प्रोग्राम होगा इसलिए मेमोरी लोकेशंस में नहीं दिए. क्या करना पड़ेगा? इसको पहले ले लो LDA 8100. एक्युमुलेटर में आ जाएगा. 8101 करो पहले, LDA 8101 तो एक्युमुलेटर में आ जाएगा. उसको मूव बी कॉमा ए कर लो तो एक्युम बी में चला जाएगा 21. एम आई राइट और नॉट? यस सर. यस सर. यस सर. नेक्स्ट मूव सॉरी मूव LDA 810 LDA 8100 LDA 8100 देन शार्प B, then move A comma sorry E comma A HLT. E में स्टोर होगा और कोई मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा बोला है?
as well as something like that e and as well as e register सिर्फ ई रजिस्टर ई रजिस्टर में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा हो गया प्रोग्राम नहीं सर सिर्फ ई रजिस्टर को एज वेल एज है सर सो एज वेल एज यस सर एज वेल एज कौन सा मेमोरी लोकेशन बोला है 8100 एज वेल एज नहीं सर सिर्फ ई रजिस्टर सर ई रजिस्टर होगा तो ये होगा कोई मेमोरी लोकेशंस में बोलेगा मान के चलो 82 एज वेल एज इन 8200 बोलेगा तो एसटीए 8200h एचएलटी ओके यही होगा बोलेगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू और सर एक यस और एक क्वेश्चन था राइट हां write an assembly language program which is to add decimal number and store the result in decimal number write an add to decimal number and store result in a decimal form mane decimal number result store in a decimal yes sir ye to bola na koi memory locations diya hai nahi sir abhi kuch diya nahi hai isme kuch bhi nahi diya sirf yahi itna hi wo tumko pakad lena padega jab diya nahi hai to tumko pakad lena padega ye to aur bhi easy hai sab easy easy program hai सर तो इसमें पहले हेक्साडेसिमल से डेसिमल से हेक्साडेसिमल फिर एडिशन फिर हेक्साडेसिमल से कुछ नहीं करना पड़ेगा मान के चलो तुम डी डबल ए फंक्शन जानते हो डी ए हैं याद नहीं है सर कौन कोई 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 जानते हो इधर Yes sir, decimal adjustable addition. Very good, मैंने बोला था ना? Yes sir. हाँ, देखो क्या होता है 8+4 12 होता है ना ऐसा decimal में addition करोगे तो 12 होता है 12 को उधर one इधर जाता है 5+2 7+1 8 होता है अरे ये hexadecimal में होता है हम लोग तो जो करेंगे तो hexadecimal में हो जाएगा ना 8085 तो hexadecimal चल के करता नहीं है तो 8+4 12 मतलब C हो जाएगा इधर 7 हो जाएगा तो ये नंबर को इसी नंबर में कन्वर्ट करना है ये करता है डी डबल ए इंस्ट्रक्शंस डेसिमल एडजस्टेड एक्युमुलेटर डीएए कैसे करेगा पहला देखेगा ये नंबर 6 से 9 से बड़ा है कि नहीं 9 से बड़ा है तो 6 ऐड करेगा और ये दोनों नंबर ऐड करके कोई कैरी है कि नहीं तो 7C+06 क्योंकि ये 9 से बड़ा है इसके बाद देखेगा ये नंबर 9 से बड़ा है कि नहीं नहीं है तो कुछ करना नहीं है और देखेगा कैरी फ्लैग आया है कि नहीं नहीं आया तो कुछ नहीं करना है तो सिर्फ यही करना है कैरी फ्लैग और ये नंबर 9 से बड़ा है तो और 60 ऐड करना चाहिए था 60 ऐड करना चाहिए था 12+6 मतलब 18 minus 16 so 2 carry 1 7+1 82 देखो इधर भी 82 इधर भी 82 समझ में आया कि नहीं बोलो ये मैंने क्लास में समझाया यस सर अभी अभी इसको क्या करना पड़ेगा दो डेसिमल नंबर है शायद कोई मेमोरी लोकेशंस में होगा से 8100 में मेमोरी लोकेशंस में है पकड़ लो 8100 में एक नंबर है 8100 में एक नंबर है मान के चलो 54 8101 में मान के चलो और एक नंबर है मान के चलो 28 इसको ऐड करो स्टोर करो 8200 में स्टोर करो 8200 में कुछ स्टोर होगा 82 स्टोर होगा राइट यस क्या करना है एलडीए 8100 एच मूव बी कॉमा ए LDA 8101H add B D double A A add हो जाएगा मतलब 7C हो जाएगा उसके बाद D double A करेंगे तो 82 हो जाएगा अभी उसको स्टोर कर दो STA 8200H HLT It's clear to all of you? Yes. It is very easy.
सर वो फ्लो चार्ट वाला एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका फ्लो चार्ट क्या होगा, इसका फ्लो चार्ट क्या क्या होगा, हम बना रहे हैं इसका फ्लो चार्ट। पहले देखो है, पहले स्टार्ट, स्टार्ट होता है ऐसा, ओके पहले होता है स्टार्ट ऐसा, राइट? यस सर। नेक्स्ट यह स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होता है ऐसा, इधर क्या लिखना पड़ेगा, लोड द कंटेंट ऑफ 8100 इनटू द एक्युमुलेटर। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट, कॉपी द कंटेंट ऑफ एक्युमुलेटर टू बी रजिस्टर, इधर लिखना है, लोड द कंटेंट ऑफ 8101 इनटू द एक्युमुलेटर, अगेन ऐसा लिखना है, ये हो गया। और कंडीशन चेकिंग के लिए ऐसा होता है, यस होगा तो इधर जाएगा, नो होगा तो दूसरा जगह में जाएगा, इधर से आएगा, चेक करना कैरी फ्लैग सेट और रीसेट, जीरो फ्लैग सेट और रीसेट, ऐसे करके जाएगा। क्लियर आर नॉट? यस। लास्ट में एंड एंड होगा तब भी ऐसे करके एंड होगा। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Okay, again, we will be described tomorrow. Tomorrow will be the... Sir, hello. Tell me. Sir, wo, last, matlab 8th ka aur aaj ka video upload kar dijiyega. Last din ka to kiya tha. Sir, 8th ka nahi hua hua video. Ki 8th? 8th January. Yes, sir. 8th January. Yes, sir. Dekhenge. सर हाँ सर, ये लैब वाला पेपर में जो फर्स्ट पेज है उसमें मेमोरी लोकेशन यूज्ड मींस कौन सा मेमोरी मेंशन करना होगा? ए जो 8100 8101 8200 इस प्रोग्राम के लिए 8100 8101 8200 और कौन सा प्रोग्राम से कौन सा मेमोरी लोकेशन तो तुम लिख रहे हो, मान के चलो इधर 8000 से लिख रहे हैं और खत्म हो रहा है मान के चलो 800A में, तो लिखेंगे 8000-800A। ओके थैंक यू। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके थैंक यू, वी विल बी अगेन ऑन डिस्क्राइब इन टुमारो सेम टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।